Hello. हेलो, गुड मॉर्निंग. सुबह हो गई है, रात थोड़ा लेट हो गया था बिकॉज थोड़ी दोस्त आ गए थे, होटल वाले थे, पार्टी वार्टी थोड़ी सी हो गई, छोटी मोटी पार्टी थी. अपार्ट फ्रॉम ऑल अभी सो के उठा हूँ और बस अभी हमें 4-5 आवर्स की ड्राइव करनी है मिलफर्ड साउंड. आई थिंक 8 बज चुके हैं, निकलूँ मैं तो 9, 10, 11, 12 एक बजे तक हम शायद मिलफर्ड साउंड पहुँच जाएंगे. लंबी ड्राइव है, स्नोफॉल है आज, देखते हैं रास्ते में दिक्कत ना हो. फटाफट ब्रश करता हूँ और निकलते हैं. अच्छी बात ये है सुबह की कि सुबह से स्नोफॉल हो रही है. हैव अ लुक. हो गए हैं, टाइम इज 8:10 नाउ. 5 घंटे की ड्राइव है यहाँ से एंड विल गो. सो एज यू कैन सी ऑल सेट. ऑल सेट, सामान रख लिया. नाउ इट्स टाइम टू मिलफर्ड साउंड. निकलते हैं मिलफर्ड साउंड और देखते हैं क्या खास है, क्योंकि सुना तो बहुत कुछ है मिलफर्ड साउंड के बारे में. बस रुक रुक कर चलेंगे और देखते हैं धीरे धीरे. Kilometers to go Milford Sound. Look at the view. रोड क्लियर है. तो अभी हम पहाड़ की इस तरफ है और हमें पहाड़ की उस तरफ जाना है स्नो माउंटेन के, तो टनल से होते हुए जाना पड़ेगा. वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. सो जस्ट हैव अ लुक. सो क्लासिक. एवरी टाइम यू मेक मी नर्वस एंड आई लूज माय वर्ड्स. इट्स बीन अ व्हाइल सिंस आई फॉरगॉट द मोस्ट सिंपल वर्ड्स. सिमिलर टू लाइक अटल टनल इन इंडिया, बस ये थोड़ा लेंथ वाइज कंपेरिजन में छोटा है. तो फाइनली पहुंच गया डिस्कवर मिलफर्ड कैफे. गर्मी बहुत है यहाँ पे. यहाँ से 10 मिनट्स की वॉक है क्रूज तक के लिए और फिर वहाँ पे जाके बस क्रूज कैच करनी.
बट ये जैकेट नहीं पहन सकते बिकॉज शावर होता है झरने के पास, सो चेंज करते हैं और फटाफट पार्किंग देखते हैं। जैकेट चेंज, गाड़ी लॉक, चल रहे। सो भैया $20 भर के जैकेट चेंज करके गोइंग टू कैच द क्रूज। बहुत मेहनत है। Now I know why I never worked out before. High low, it would always turn out bad, so bad. But every time we start a fight, we always stop in time. We both know how to be gentle, never cross the line. I feel cold when you're around, like nothing can break me. फाइनली मिलफर्ड साउंड यहाँ से शुरू होता है, सो कीप वॉचिंग एंड शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स एट द एंड। हमारा डॉल्फिन है, डॉल्फिन, ये पूरा डॉल्फिन्स का एरिया, पूरा डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स, बहुत डॉल्फिन है। Chasing us. ये जो छोटे छोटे झरने हैं इनका नाम फेरी फॉल्स है, और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे साल भर रेनबो बना रहता है, तो जैसे ही हम पास में जाएंगे रेनबो देखने को मिलेगा ऐसा बताया गया है, सो जस्ट वेटिंग फॉर दैट। अभी यहाँ पे दो पेंगुइन्स नज़र आ रहे हैं, कैमरे में शायद नज़र आ रहे हैं कि नहीं पता नहीं, बट दो पेंगुइन्स हैं यहाँ पे, और गर्मियों में ये बेसिकली ज़्यादा होते हैं ऐसा बताया गया, यहाँ पे गर्मियों में बाहर निकलते हैं धूप में, सो
टेस्मन सी है, बॉर्डर ऑफ न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। सो इस तरफ न्यूजीलैंड है और बेसिकली उस तरफ ऑस्ट्रेलिया जो कि एक बॉर्डर लाइन पे आता है। तो फाइनली ऑल डन, मिलफोर्ड साउंड। 2 घंटे की राइड थी और बहुत कुछ था देखने को। आई थिंक एक बार तो आना बनता है यहाँ पे, और जो कि मेरा हो गया। सो थैंक यू, सिया, सी यू नेक्स्ट टाइम।